मेरा सवाल ये था कि हज को जाने से पहले लोग नॉर्मली अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से माफी मांग कर जाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? माफी मांगना जरूरी है या कैसा है? में किसी के हुकूक उसके जिम्मा अगर हैं तो बेहतर बात यह है कि उनके हुकूक अदा कर दे। उसके हलाल से जाना है उसे उन लोगों के हुकूक अदा कर दे। तो अब ऐसी सूरत में चूंकि हुकूक की अदायगी है तो एक बेहतर बात है, माफी मांगता है तो मांग सकता है, ताकि किसी का कोई चीज उसके ऊपर ना रहे, अल्लाह के हुजूर जाए तो उसका दिल भी पाक हो, दिमाग भी पाक हो और उसका माल भी पाक हो, सारी चीजें पाक हो, तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। अलबत्ता ये है कि बाज लोग इसे रस्म बना देते हैं, बस रस्म के तौर पर, दिल से कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन बस रस्मी तौर पर बस कह देते हैं, एक रस्म बन गई है। तो जहां रस्म होती है तो वहां उसका असल मकसद ही नहीं रह पाता है लोगों का बाज औकात। तो ऐसी कोई खास रस्म, कोई हज के साथ ताल्लुक जुड़ी हुई कोई ऐसी रस्म नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि एक इंसान वहां जा रहा है हज के लिए तो उसका गोल ये होता है कि वो उस दिन की तरह वापस आए जिस दिन उसकी वालिदा ने उसे जन्म दिया था, जैसे हदीस में आया है। तो अब उसके अंदर हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक अगर बाकी रह गए तो वो चीज माफ नहीं होते हैं। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि चलो मैं जाऊं उससे पहले सब जितने भी लोगों के हुकूक मुझ पर है, या कोई अगर मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, इजा पहुंचाई है, वो सब चीज में मैं उसके अंदर जेन्युइनली माफी मांग लूं, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ठीक है करे। कोई इस पर्सनल तौर पर कोई कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन रस्म ना बन जाए और इसको खास एक हज के प्रोसीजर में जोड़ दिया है लोगों ने, वो भी नहीं सुनिए। बाकी शेख किफायत कुछ बताएंगे। जी शेख, देखिए इसमें आदमी एहतियातन ऐसे सारे काम से तौबा कर ले जिनसे इबादतों के कबूल ना होने का खतरा रहता है, हुकूकुल इबाद से मुतलिक, जैसे जुल्म है, ज्यादती है या शिर्क है। एक आदमी शिर्क में मुबतला है, अब वो शिर्क है, वो जाके हज करेगा तो खतरा है उसके लिए। तो ऐसे अगर वो अमाल अंजाम दे रहा है जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन अमाल से इबादतें ज़ाय हो जाती हैं, तो उसको समझाना चाहिए कि भाई आप ये अमाल ना करें। ये सिर्फ हज का मसला नहीं है, नमाज है, रोजा है, कोई भी है, कि ऐसे अमाल, ऐसे गुनाह जिनसे अमाल बर्बाद हो जाते हैं उन गुनाहों से बचने की तलकीन करनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक साहब मेरे पास आए तो मुझसे कहा कि मुझे हज पे जाना है तो आप कोई नसीहत कीजिए क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी, आपके वाली साहब बहयात हैं उनके जो है, तो आपने अपनी बहन को, हज पे जा रहे हैं आप, तो आपने अपनी बहन को हिस्सा दिया कि नहीं दिया? तो उन्होंने कहा हमने नहीं दिया, अपने अब्बा की वफात हो चुकी है। तो हमने कहा कि भाई आप हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि आप किसी का माल खाएंगे, हराम खाएंगे, तो इससे खतरा है कि हज कबूल ना हो या कोई इबादत कबूल ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह की मर्जी कबूल करे, माफ कर दे, लेकिन बहरहाल हदीसों में मिलता है कि अगर आदमी हराम खाता है तो उसकी इबादत खतरे में है। जैसे सही मुस्लिम कहती है ना कि एक बंदा अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाता है, या रब या रब या रब, तो अल्लाह ताला कहता है मत अमु हराम, मशरबु हराम, वकुदिया बिल हराम, फअन्ना युस्तजाबु लिदालिक, कि उसका खाना हराम है, पीना हराम है, हराम की गजा है, तो अल्लाह ताला कहाँ से उसकी सुनेगा। तो ये रवायत हमको बतलाती है कि बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिस वजह से हमारी इबादतें दाव पर लग जाएं। तो ये कोई रस्म बनाना ठीक नहीं है, लेकिन इतना तो एहतियात करना चाहिए ना कि आदमी हज पे जा रहा है, बहुत बड़ी इबादत है, और हज अगर कबूल हो गया तो बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसका हज खतरे में पड़ जाए, तो ऐसी गुनाहों को तर्क करना चाहिए उसको, तो इतना एहतियात तो करना चाहिए जी, बाकी कोई रस्म वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलायल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।